पूरे देश में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। मालूम हो वर्ष 1999 में देश के वीर जवानों ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल किया था। आज इस कारगिल युद्ध का 25 वर्ष पूरा हो चुका है। बोकारो में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से कारगिल विजय दिवस मनाया गया। सिटी पार्क स्थित शहीद स्मारक में सभी पूर्व सैनिक, जन प्रतिनिधि, अधिकारी और एनसीसी कैडेट्स ने शहीद स्थल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्रीय गान भी गाया और कारगिल विजय दिवस में जवानों के अदम्य साहस की चर्चा की। पहले बोकारो वासियों को कारगिल विजय दिवस पर बहुत बहुत बधाई। आज 25 साल हो गए हैं इस विजय दिवस को। कहाँ 16,000 फीट की ऊंचाई पे वो पाकिस्तानी सैनिक या घुसपैठिए कब्जा करके बैठे थे और 2 महीने के अंदर 27 मई से 27 जुलाई 2 महीने के अंदर ही हमारे सैनिकों ने पूरी वीरतापूर्वक उस पूरे एरिया को रिक्लेम किया और अपनी वीरता को गौरवान्वित किया। इस भारत का पूरा अखंडता को बनाए रखा है हम लोग, और ये पावन तिथि में हम लोग इस तरह से मना रहे हैं, ये उत्सव मना रहे हैं। ये हम लोग के लिए काफ़ी है और बच्चों के लिए जो मतलब एक प्रेरणा मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे बच्चों के तरफ भी हम लोग को ध्यान देना है कि वो अपने देश के लिए जिस तरह से के आगे के लिए आगे बढ़े, और जिस तरह सेनानियों ने हम लोग के इस कार्य बनाया जाता है। ये बहुत कठिन लड़ाई थी जो कि हम लोगों के जवान परिश्रम करके प्रयास करके उस जगह तक पहुंचे। दूसरे देश के सैनिक के पास वो क्षमता नहीं जो हमारे भारत के सैनिक, कोई साधन नहीं जाने के लिए, अपने ताकत से अपने बल पर पहुंचे हैं, वहाँ पहुंच करके लड़े हैं और लड़ करके एक एक आदमी 14-15 गोलियां खाकर फिर भी वो कामयाब रहे। आज उनको परमवीर चक्र मिला है।